नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला पर। और रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स आ गए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो एकदम प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। आज तारीख है 1 सितंबर, 1 सितंबर के करेंट अफेयर्स को आप कर लीजिए, लेकिन आपका कल करेंट अफेयर्स नहीं आएगा क्योंकि एक दिन सप्ताह में करेंट अफेयर्स आपको नहीं मिल पाएगा और वो सोमवार रहेगा। तो फिलहाल आज के करेंट अफेयर्स पर चलते हैं, देखते हैं आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसमें क्या क्या नई जानकारियां हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि असम का जो एनआरसी फाइनल लिस्ट आने वाला था उसको अभी हाल ही में असम सरकार ने रिलीज कर दिया है। तो फिलहाल असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की अंतिम सूची 31 अगस्त को सुबह 10 बजे जारी की गई थी, यानी कि कल जारी की गई थी। और इस सूची में 19 लाख लोग अपनी जगह नहीं बना पाए हैं, यानी कि वहां पर असम के नागरिक 19 लाख लोग ऐसे हैं जो नहीं बन पाए हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद वो असम में नहीं रह पाएंगे और उनको डिटेंशन सेंटर पे भेज दिया जाएगा। होगा क्या कि अभी भी एक मौका है उनके पास और वो अपनी नागरिकता के लिए विदेशी ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर फॉरेन ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अगर वहां से भी वो अपना, हाँ ये लिखा हुआ है कि सभी लोग विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं और अगर वहां से भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए उनको जो समय सीमा दी गई है इसमें अप्लाई करने के लिए उनको 60 दिन से लेकर 120 दिन कर दिया गया है। तो फिलहाल इस थोड़ा सा जानकारी में आपको मैं फ्लैशबैक में लेके चला जाता हूं। असम की बात की जाए तो ब्रिटिश शासनकाल के समय से काफी सारा जो असम का चाय का बागान था वहां पे मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से जो बिहार है, बंगाल है, इवन जो आज बांग्लादेश है, वहां के कई सारे लोग वहां पर जाकर बसने लगे थे और मजदूरी करने लगे थे। ऐसी स्थिति में जब ब्रिटिश शासनकाल समाप्त होता है और फिर उसके बाद 1971 में बांग्लादेश बनता है, तो अभी भी ये देखा गया कि उस समय 50 लाख से अधिक लोग असम में गैर नागरिक के तरीके से रह रहे थे या अवैध तरीके से रह रहे थे, जिनके पास वहां पर रहने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसे में वहां पर एक छात्र संघ जो था वो एक आंदोलन शुरू करता है और जिसकी वजह से राजीव गांधी जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे उनके और उस छात्र संघ के बीच में एक समझौता होता है, जिसके जरिए ये कहा जाता है कि 1951 से पहले के जो लोग भी दस्तावेज जिनके पास होंगे उनको असम का नागरिक माना जाएगा। 1951 से लेकर 1961 के बीच के जो लोग भी वहां पे आए हैं उनको असम का नागरिक माना जाएगा, लेकिन उनको कुछ नागरिकता के अधिकार नहीं दिए जाएंगे। फिर उसके बाद 1971 से पहले जो लोग रह रहे थे उनको नागरिकता तो दी जाएगी पर उनका चुनाव करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो इन सभी समझौतों के बाद 1951 से लगातार असम में नागरिक रजिस्टर जारी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और अंततः अब एक एनआरसी जारी हुई है जिसमें कई सारे लोगों ने अपनी नागरिकता हुई है, जिनको आप ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग अवैध लोग पाए गए हैं वो है 19,06,657 लोग, ये अपनी नागरिकता को सिद्ध नहीं कर पाए हैं। अगर देखा जाए तो असम पहला ऐसा राज्य है जिसने एनआरसी जारी किया है, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को जारी किया है। अगली जानकारी की तरफ चले तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पीके सिन्हा के बारे में बताया था कि वो कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं, तो उनको एक अतिरिक्त प्रभार और दिया गया है। वो प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में पीके सिन्हा यानी कि प्रदीप कुमार सिन्हा जी को, जो कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, को पीएमओ में विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नपेन मिश्रा ने अपने आप को रिटायर करने के लिए या कार्यमुक्त होने की इच्छा जताई थी और अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की थी। तो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इस पद पर अगले 2 हफ्ते तक बने रहने के लिए कहा है और प्रदीप कुमार सिन्हा उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। वो भारत के 31वें कैबिनेट सचिव थे और उन्होंने इस नियुक्ति से पहले भारत के विद्युत सचिव के रूप में भी कार्य किया है। तो फिलहाल एक एक्स्ट्रा अधिकारी यानी कि एक विशेष अधिकारी के रूप में अभी हाल ही में पीएमओ में किसकी नियुक्ति की गई, उनका नाम है प्रदीप कुमार सिन्हा, जो कि नपेन मिश्रा की जगह लेंगे। अगली जानकारी है, अभी आपने कुछ साल पहले एक चर्चा सुनी होगी 2012 में जीजा घोष के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, पहले आप न्यूज पढ़ लीजिए। फिलहाल वी केयर फिल्म फेस्टिवल ऑन डिसेबिलिटी इश्यूज का 14वां संस्करण भारतीय के 14वें संस्करण में भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई एम जीजा को अंडर 30 मिनट श्रेणी के लिए पुरस्कृत किया गया है या पुरस्कार दिया गया है। स्वाति चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में विकलांग लोगों के जीवन और संघर्ष का चित्रण किया गया है।
इसकी कहानी विकलांगता से ग्रस्त कार्यकर्ता जीजा घोष पर आधारित है जो सेरेब्रल पॉल्जी यानी जिसे आप लकवा कहते हैं से पीड़ित है। 46 वर्षीय जीजा घोष पहली बार 2012 में उस समय चर्चा में आई थी जब उन्हें उनकी शारीरिक स्थिति के मद्देनजर विमान से उतरने के लिए कहा गया था और इसकी वजह से फिर वो सभी के सेंटर में आ गई और जो विमानन अधिकारी थे उनके खिलाफ काफी सारे आंदोलन हुए थे, काफी सारा उनके खिलाफ विरोध जताया गया था। फिलहाल अगर हम इस पुरस्कार की बात करें यानी कि वी केयर फिल्म फेस्टिवल ऑन डिसेबिलिटी यूसेज इशूज के ऊपर जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार फिल्मों की अवधि के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं। 5 मिनट की फिल्म के लिए पुरस्कार, 30 मिनट की फिल्म के लिए और 90 मिनट के लिए फिल्म के पुरस्कार। ये पुरस्कार यूनेस्को, भारत और भूटान के लिए संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र और नई दिल्ली स्थित एक एनजीओ है ब्रदरहुड, इस फिल्म के समारोह के सह संस्थापक हैं। तो फिलहाल अभी जो फिल्म फेस्टिवल हुआ वी केयर फिल्म फेस्टिवल, वी केयर फिल्म फेस्टिवल ऑन डिसेबिलिटी इशू में आईएम जीजा जो कि अंडर 30 मिनट की कैटेगरी में पुरस्कार होने वाली भारतीय फिल्म है। आईएम जीजा घोष की बात करें तो जीजा घोष सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित हैं और जन्म से ही वो इस लकवे से ग्रस्त हैं और मस्तिष्क में जो गर्भ के समय उनके मस्तिष्क में कुछ चोट वगैरह लग जाने से या किसी मस्तिष्क में किसी विकृति के आ जाने की वजह से वो इस तरह की बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। अगली जानकारी है एफॉरेस्टेशन कैंपा। कैंपा के बारे में जानकारी इंपॉर्टेंट है, कैंपा समझ लीजिए कि कैंपा क्या है। हाल ही में नई दिल्ली में वनीकरण यानी कि फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने के लिए यानी कि जंगलों को और बढ़ाने के लिए देश के हरित उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कैंपा को 47,436 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। ये बहुत बड़ी राशि है, 47,436 करोड़ रुपए की राशि ये है क्या कैंपा, इसके बारे में बात करते हैं। वनों के लिए राज्य का बजट अप्रभावित रहेगा यानी कि राज्य, जैसा कि हम सभी को पता है कि केंद्रीय बजट में हर राज्य को कुछ ना कुछ अंश मिलता है तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा और ये जो भी राज्य के बजट के अतिरिक्त होगी ये राशि जो उनको दी जा रही है ताकि वो अपने यहां वनों को बढ़ावा दे, इस पैसे को वो अपने फॉरेस्टेशन में लगाएं। राज्यों के क्षतिपूर्वक वनीकरण के लिए एकत्र धनराशि का राज्यों द्वारा अल्प उपयोग किए जाने संबंधी शुरुआती अनुभव के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2001 में क्षतिपूरक वनीकरण कोष और क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण बनाया था। इसका फुल फॉर्म होगा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसे कैंपा कहा जाता है, की स्थापना का आदेश दिया था और कैंपा कोष का जो उपयोग है वो वेतन के भुगतान, यात्रा भत्ते, चिकित्सा व्यय और आदि के लिए नहीं किया जा सकता है। इसका जो भी भुगतान होता है सिर्फ और सिर्फ जिन राज्यों में कमी होती है वनों की उनको वहां पे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तो कैंपा कोला से नहीं याद करिएगा, अब कैंपा का जो नाम हो गया है वो फुल फॉर्म हो गया है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अगली जानकारी है, अभी हाल ही में इथोपिया में वैज्ञानिकों ने मानव की 3.8 मिलियन वर्ष यानी कि लगभग 38 लाख वर्ष पुरानी एक खोपड़ी पाई है, एक खोपड़ी स्कल की खोज की है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक अति महत्वपूर्ण खोज है और इसमें मानव विकास की समझ को एक स्तर आगे ले जाने की क्षमता है। हम ये जान पाएंगे कि किस तरह से मानव का विकास हुआ है। शोधकर्ताओं ने इसे MRD-VP-11 ये कोडेड नेम है जबकि संक्षिप्त में इसका नाम MRD रखा है। इथोपिया में इस खोपड़ी की खोज करने वाले शोधकर्ताओं को कहना है कि यह खोपड़ी ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस नामक प्रजाति से संबंधित है या ऑस्ट्रेलोपिथेकस समूह का सबसे पुराना ज्ञात सदस्य है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस उन समूहों को कहा जाता है जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास पाए गए हैं। दूसरा यह है कि इस ग्रुप के मानव ने सीधा चलना यानी कि दो पैर पर चलना शुरू कर दिया था। तो जो भी मानव वंश खोजे गए हैं और उनका नाम अगर आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस पाते हैं तो इससे आप ये समझ लीजिएगा कि इस ये उस समय के मानव है जिन्होंने बस चलना शुरू ही किया था यानी कि उस खोज में किया था। आगे अगर हम बात करें तो ये सबसे पुराना सदस्य मिल रहा है इसका, लेकिन वर्ष 2001 में पुरातत्वविदों ने इससे भी पुराना एक पाया था मध्य अफ्रीका के एक देश चाड में टूमाई जो कि सहेलथ्रोपस टेक्टेंडिस की प्रजाति से संबंधित है और 7 मिलियन वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त किए थे यानी कि 70 लाख वर्ष पुराना।
और ये अनुमान है कि जो टुमाई मानव है, जिसे हम लोग टुमाई मानव कहते थे, टुमाई मानव लगभग विश्व का सबसे पहला मानव है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे पहला जो मानव पाया जाता है उसे टुमाई मानव कहा जाता है, और इसके जो अवशेष थे वो चाड में पाए गए थे। ठीक है, तो मध्य अफ्रीका के एक देश है चाड, वहां पर टुमाई मानव पाया गया था। इसके अलावा एक और मानव है लूसी, कुछ लोग इसको गलती से लूसी ही समझ बैठे थे कि ये लूसी की ही खोपड़ी है। लूसी मानव संघ की बात करें तो लूसी मानव वंश के अंतर्गत वे मानव आते हैं जिनके सबसे ज्यादा मात्रा में कंकाल पाए गए हैं, जिनके सबसे ज्यादा मात्रा में अवशेष पाए गए हैं। ये ऐसे मानव हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा अध्ययन हुआ है, और आप ऐसा कह सकते हैं कि आधुनिक मानव के ये सबसे करीब हैं, क्योंकि ये लगभग 10 लाख वर्षों तक पृथ्वी पर बने रहे, और इनका जो जीवन काल है उसके बाद इसका परिवर्तन आया है। तो सबसे ज्यादा वर्षों तक जीवित रहने वाला जो मानव था वो लूसी था, सबसे पहला टुमाई था। अभी मिला कौन सा है? अभी मिला है एमआरडी। एमआरडी खोपड़ी का नाम रखा गया है, और इसका जो नाम है वो है ऑस्ट्रलोपिथेकस एनामेंसिस प्रजाति से संबंधित है। फिलहाल इथोपिया की अगर हम बात करें तो इथोपिया की राजधानी अभी पूछी गई थी सीजीएल में, तो ये इथोपिया की राजधानी जरूर याद रखिएगा, इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। आदिस अबाबा मुद्रा यहां पर चलती है बर्र, या किसी कभी कभी आपको ये बिर भी पढ़ने को मिल सकती है, इसकी मुद्रा है बिर जो कि यहां पर चलती है। और अबीय अहमद जो है ये वर्तमान समय में आपके इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का नाम है अबीय अहमद। तो ये थोड़ी सी जानकारी, खोपड़ी पाई गई इथोपिया में, इतना भी याद। अगली जानकारी है आपकी जानकारी पर, आपकी स्क्रीन पर सॉरी, कि सीएसओ रिलीज द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो अभी तक हम बहुत दम भरते थे कि हम देश की, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, विश्व की तेजी की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। तो लेकिन अचानक से अमेरिका चीन व्यापार युद्ध ने और आर्थिक मंदी ने, विश्व की आर्थिक मंदी ने भारत पर भी असर डाला है, जिसकी वजह से भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो कि खासकर कोयला खनन के बारे में बात कर ले, या जो भी आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा चल रहा है उसके ऊपर इसका असर पड़ा है, और जिसकी वजह से भारत की जीडीपी दर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2019-20 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून में देश की जो विकास दर रही है वो 5% रही है। यह 6.5 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। पिछले साल वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही यानी कि जनवरी से लेकर मार्च की अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास दर 5.8% रही थी। अभी थोड़े दिन पहले ही एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने अपने आंकड़े जारी किए थे, जिसके जरिए भारत की जो विकास दर का अनुमान लगाया था वो 6% के आसपास लगाया था, तो वो भी थोड़ा सा गलत साबित हुआ है, और अचानक से भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो गिर गया है, वो 5% है। अगली जानकारी है, बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक बहुत ही उम्दा कदम उठाया है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही उम्दा कदम है कि उन्होंने क्या किया है। अभी हाल ही में पान मसाले के उत्पादन बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। राज्य सरकार ने ऐसे प्रदेश के सभी प्रकार के पान मसाले उत्पादन संरक्षण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, और 30 अगस्त को यह जारी कर दिया। उन्होंने पाया था कि इस जांच करवाई थी तो पाया था कि सैंपल में मैग्नीशियम कार्बोनेट की अत्यधिक मात्रा पाई गई थी, जिसकी वजह से हृदय और फेफड़ों का कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ने की संभावना हो जाती है, जिसको देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, और मुझे लगता है कि इसको पूरे राज्य में यानी सभी राज्यों में इसको लगा देना चाहिए। तो फिलहाल पान मसाले पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य है बिहार। अगली जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी हाल ही में योग पुरस्कार प्रदान किए हैं, जो कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 2018 और 2019 के पुरस्कार वितरित किए गए। ये संस्था और एक इंडिविजुअल को दिए जाने वाले पुरस्कार होते हैं। फिलहाल 2018 के लिए जो संस्थागत यानी इंस्टीट्यूट कैटेगरी में जो अवार्ड दिया गया वो मिला है योग इंस्टीट्यूट मुंबई को। व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है वो डॉक्टर विश्वास मंडिक को, जबकि 2019 की अगर हम बात करें तो संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है योग संस्थान मुंगेर बिहार और योग निकेतन जापान को, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो स्वामी राजर्षि मुनि गुजरात, जबकि एंटोनिएटा रोजी को लाइफ मिशन इटली को यह पुरस्कार दिया गया है। तो पुरस्कार पाने वालों को ट्रॉफी दी जाती है, प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, 25-25 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है, और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आयुष चिकित्सा प्रणाली की प्रमुख चिकित्सकों और विशेषज्ञों की उपलब्धियों पर 12 डॉक
टिकट भी जारी किए हैं, 12 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए हैं। तो फिलहाल विज्ञान भवन नई दिल्ली के एक समारोह में दिए गए हैं योग पुरस्कार, 2018-2019 दोनों के ही नाम याद रखिएगा। अगली जानकारी है, अभी हाल ही में सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार अरुणाचल प्रदेश में 10 सितंबर से 24 सितंबर 2019 के बीच किया जाएगा। इस चैंपियनशिप का आयोजन ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट नामक कस्बे में किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में देश भर की 30 टीमें हिस्सा लेंगी। तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होगा सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। अगली जानकारी है, इंडिया चाइल्ड वेलबींग एनजीओ वर्ल्ड विजन इंडिया, एक एनजीओ है यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, तथा अनुसंधान संस्थान आईएमएफआर लीड द्वारा जारी एक इंडिया चाइल्ड वेलबींग इस सूचकांक यानी कि इस इंडेक्स में यह देखा जाता है कि किस राज्य ने बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए कितने अच्छे इंतजाम किए हुए हैं, कितने प्रयास किए हुए हैं। तो इस मामले में केरल पहले स्थान पर आया है और जबकि तमिलनाडु इसमें दूसरे स्थान पर है। इस सूचकांक में हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। इस सूचकांक में को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता तथा बच्चों की सुरक्षा के आधार पर तैयार किया जाता है। अगर हम यूटी की बात करें यानी कि यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो इसमें पुडुचेरी पहले नंबर पर आया है और यहां पर देखा गया कि मध्य प्रदेश जो है दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश जो है इसमें यहां पर सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए। तो मध्य प्रदेश सबसे वर्स्ट कंडीशन में है, ठीक है ना, एंड बेस्ट परफॉर्मिंग इन हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन पुडुचेरी एमंग यूटीज, जबकि केरला ने क्या किया है, टॉप किया है यहां पर और मध्य प्रदेश को यहां पर वर्स्ट रैंकिंग मिली है। केरला की अगर हम बात करें तो केरला का स्कोर 0.76 रहा है, तमिलनाडु का स्कोर 0.67 रहा है और मध्य प्रदेश का स्कोर 0.44 रहा है, जबकि झारखंड का स्कोर 0.50 रहा है और ओडिशा का 0.59 रहा है। तो ये यहां पर जो सर्वे हुआ केरल ने इसमें किया है टॉप, वहां पर बच्चे ज्यादा सुरक्षित हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। वहां पे अपराध के मामले में मतलब बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या काफी कम है। वॉर एंड डेंगू, डेंगू जो कि एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, एडीज मच्छर को आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं, इसके पैरों पर सफेद सफेद धारियां होंगी और पीठ पर आपको भी इसके सफेद सफेद धारियां नजर आएंगे। इस तरह का मच्छर अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो उससे बचने के उपाय तुरंत ढूंढ लीजिए। इसके पनपने का कारण रहता है पानी, कहीं पर भी रुका हुआ पानी होगा तो डेंगू का मच्छर पनप जाएगा। इसे येलो फीवर मच्छर भी कहते हैं और इसके काटने से डेंगू भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है और आपका येलो फीवर भी हो सकता है, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसे हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और इतना दर्द होता है कि आदमी चल भी नहीं पाता। तो फिलहाल इससे निपटने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 सितंबर से 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू परिवार नामक एक पहल शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य डेंगू तथा चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए कार्य करना है। इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली सरकार ने सभी लोगों को प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट तक अपने घर में तथा आसपास रुके हुए पानी का स्रोत ढूंढने का आग्रह किया है और अगर उन्हें मिल जाता है तो उसे वहां से हटाने का भी आग्रह किया है, क्योंकि डेंगू के मच्छर रुके हुए पानी में ही पनपते हैं। डेंगू की बात करें तो मलेरिया के बाद किसी भी ज्वर से जो सबसे ज्यादा जाने गई हैं पिछले एक दशक के दौरान देखा जाए तो वो डेंगू से ही गई हैं। अब बारी है आज के हमारे वनलाइनर की। हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से लेकर जून के देश की आर्थिक विकास दर कितने फीसदी बताई है, 5%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहां राज्य पान मसाले उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, वो है बिहार। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने योग को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसको व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर विश्वास मंडी। देखिए जब मैं वन लाइनर आपको कराता हूं तो उसका मतलब यह है कि आप मुझसे भी तेज उसको पढ़ें, जितना तेज आप पढ़ोगे उतना तेजी से आपके दिमाग में जाएगा। तो 25वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया, अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया चाइल्ड वेल बीइंग इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो है केरल। किस राज्य सरकार ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू परवार नामक पहल शुरू की है, तो वो है दिल्ली। हाल ही में असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की अंतिम सूची जारी की गई है। इस सूची में लगभग कितने लोग अपनी जगह नहीं बना पाए हैं, 19,00,000 लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको पीएमओ के में विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, वो है पीके सिन्हा। हाल ही में वी केयर फिल्म फेस्टिवल ऑन डिसेबिलिटी इश्यूज के 14वें संस्करण में कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म अंदर 30 मिनट श्रेणी के पुरस्कृत किया गया, तो वो है आईएम जीजा। हाल ही में नई दिल्ली में वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए यानी फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने के लिए
कैंपा को कितनी राशि दी गई है वो है 47,436 करोड़ रुपए और इथियोपिया में वैज्ञानिकों को लगभग 3.8 मिलियन पुरानी खोपड़ी मिली है। उसका नाम क्या रखा है उन्होंने? उसका नाम रखा है MRDVP 1/1 यानी MRD। अब बारी है आज हमारे क्विज की। हाल ही में असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की अंतिम सूची जारी की गई है। इस सूची में कितने लोग अपनी जगह नहीं बना पाए हैं? तो लगभग 19 लाख लोग हैं जो अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको पीएमओ में विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है पीके सिन्हा यानी कि प्रदीप कुमार सिन्हा, जो कि 31वें कैबिनेट सचिव हैं। हाल ही में वी केयर फिल्म फेस्टिवल ऑन डिसेबिलिटी इश्यूज के 14वें संस्करण में कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को अंडर 30 मिनट की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? तो उसका नाम है IM जीजा, जो कि जीजा घोष की ऊपर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जो वो लकवे से पीड़ित हैं। तो हाल ही में नई दिल्ली में नवीकरण को बढ़ावा देने और देश के हरित उद्देश्यों में प्राप्ति करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कैंपा को कितने रुपए की राशि प्रदान की है? तो 47,436 करोड़ रुपए, ताकि राज्य अपने जो भी जगह है, जो भी स्थान है, वहां पर वनों को बढ़ा सके। हाल ही में इथियोपिया में वैज्ञानिकों ने मानव की लगभग 3.8 मिलियन वर्ष पुरानी खोपड़ी की खोज की है। शोधकर्ताओं ने इसे क्या नाम दिया है? इसका नाम दिया गया MRDVP 1/1। हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर को कितने प्रतिशत रखा है? तो जो बताया है आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून तक जो GDP ग्रोथ रेट रही है वो रही है 5% आर्थिक विकास दर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पान मसाले के उत्पादन, राज्य में पान मसाले के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया? तो ऐसा करने वाला है बिहार। बिहार ने अभी हाल ही में अपने यहाँ पूरी तरह से पान मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को बढ़ावा देने के उत्कृष्ट योगदान के लिए किसको व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार दिया है? तो वो मिला है डॉक्टर विश्वास मंडी को। 25वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में किया जाएगा। इंडिया चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? केरल। और सबसे निचले स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू परिवार नामक पहल शुरू करने का निर्णय लिया है? तो वो है दिल्ली, ताकि डेंगू का जो असर है उसको कम किया जा सके। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूँ कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।